दोस्तों सबसे पहले आप नेहा दीदी की इस वायरल वीडियो को एक बार पूरा देखिए, उसके बाद में जो बोलूंगा उसे आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, रोना तो बिल्कुल नहीं, रोने से तो कुछ नहीं होगा। आज तुमने इज्जत की बात लगाई यार मेरी, जिस औरत का पति इस दुनिया में नहीं है उससे वो किस आदमी से रात में 2 बजे तक बात करेगी? वो क्यों बात करूंगी, तेरे पति में है क्या? तेरे पति में है क्या? लाइन लगी है लड़कों की, लाइन उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। और हाँ, मेरे ख्याल से तो आपने पहले भी देख चुका है, आप इस वीडियो को पहले भी देख चुके हो। दोस्तों ये वही वीडियो है जिस वीडियो को लेकर के ये अफवाह फैलाया जा रहा था कि सचिन भैया और नेहा दीदी के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है। और इसी बदनामी के वजह से बाद में नेहा दीदी और सचिन भैया को इस वीडियो को पब्लिक के बीच में लाया गया था। यहाँ तक तो आपको पता है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बीच में मत जाइएगा, क्योंकि रियल में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अभी जो माजरा चल रहा है ना, और उसी से ये वीडियो रिलेटेड है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के तह तक जाऊंगा और इस वीडियो को अपने तरीके से मैं इसे इवोल्यूट करने की कोशिश करूंगा, यानी इसका इवोल्यूशन मैं करूंगा अभी, और आपको भी समझ में आएगा कि बात तो सही कहा है मैंने। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस वीडियो में जो हमने देखा, इस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि मनीषा दीदी के ब्लेम करने पर नेहा दीदी उन्हें डांट रही है, और साथ में 2-3 लोग और भी हैं। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि नेहा दीदी ने कहा है कि तेरे पति में है ही क्या, यहाँ तक क्लियर है। यानी नेहा दीदी ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है, नेहा दीदी ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि उनका सचिन भैया से कोई लेना देना नहीं है उस मैटर पर, उस हिसाब से जैसा लोग सोचते हैं, यानी कि उनके बीच कोई रिलेशन है, यहाँ साफ साफ उन्होंने मना कर दिया है। और इनका मना करना सचिन भैया के अभी भोपाल जाना है ना, भोपाल जाने पर सचिन भैया को आने नहीं दिया गया, यानी कि नेहा दीदी ने जो इस वीडियो में बोला है और वो चीज़ उन्होंने साबित कर दिया कि तुम मत आओ, नहीं तो पब्लिक गलत सोच लेगी और कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया। लेकिन अब दूसरा पक्ष देखते हैं, सचिन भैया ने इस वीडियो में, मतलब इस पर जो वीडियो बनाया था, आप उनके व्लॉग में जाकर देख सकते हो, उन्होंने उसमें क्या कहा था कि नेहा बहन है, दीदी है, मान लिया, बिल्कुल मानते हैं, मैं भी जानता हूँ बहन है दीदी है, उन्होंने बोला भी है। लेकिन अभी जो रिसेंट में इनकी जो तबीयत खराब हो रही है, इनके तबीयत खराब होने के पीछे इनकी हरकतें कुछ ऐसी लग रही है ना, जैसा लग रहा है क्या कि कोई एक सिस्टर अगर मान लो आने से मना कर दे कि तुम तो मेरे सगाई में नहीं आना है, हाँ सगाई की बात थी, मैंने गलती से शादी बोल दिया, सगाई में नहीं आना है, तो ऐसे में इतना ज़्यादा तबीयत खराब होना। मैं एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मेरे नज़र में 2-3 ऐसे दोस्त थे, मेरे जान पहचान के लोग थे, और उन जान पहचान के जो लोग थे, मतलब ऐसा समझो कि मेरे ही फ्रेंड्स थे, अब वो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे किसी को लेकर के, उनमें एक लड़की भी थी और एक लड़का भी था। कमिटेड होने के वजह से क्या हुआ था कि दोनों की बारी बारी की ऐसा सिचुएशन हुआ था कि वो मतलब काफ़ी समय तक वो रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो एक तरफा रिलेशनशिप था बिल्कुल। अब सामने वाले बंदे ने क्या किया कि एक को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ देने के बाद जो दूसरा बंदा था उसकी हालत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि उसे एडमिट करवाना पड़ गया था हॉस्पिटल में, और ड्रिप चढ़ने लगे, उसकी तबीयत विश्वास कीजिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और सेम सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि नेहा दीदी के तरफ से वो क्लियर कट बिल्कुल साफ बता चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो सगाई में भी इन्हें मना कर दिया आने के लिए। लेकिन उसके बाद उनका, यानी सचिन भैया का सगाई से वापस आ करके, सगाई में तो हालांकि गए नहीं थे, भोपाल से वापस आ करके इनका रोना, और धीरे धीरे इनका अंदर से बेचैनी, सिर दर्द वगैरह, बुखार वगैरह, खाना छोड़ देना, तबीयत खराब होना, हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी चीज़ें कहीं दिखाता क्या है, बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर रहा है कि क्या सचिन भैया की तरफ से सब कुछ सही था? क्या सचिन भैया सच में नेहा दीदी को दीदी मानते थे? नेहा दीदी ने तो ये चीज़ क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूँ कि नेहा दीदी को लेकर के, क्योंकि अभी उनकी शादी और रिएक्शन वाले सारे सभी चैनल्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बिना किसी प्रूफ के बदनाम मत करो, क्योंकि शादी बाकी है, शादी हो जाने दीजिए। शादी से पहले हो सकता है कि आपके किसी झूठे बयानबाजी या झूठे आरोप के वजह से उनकी शादी में दिक्कतें आ जाएँ, ये नहीं होनी चाहिए, समझो बात को।
बस मैं इसलिए, अब ऐसा नहीं कि मैं सचिन भैया को भी बदनाम कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन सचिन भैया की कुछ चीज़ें जो है ना, भोपाल से आकर के रोने लग जाना, उनकी तबीयत ख़राब हो जाना, बहुत सारे मेरे ना कुछ जानकार लोगों के ना पास्ट से कनेक्ट कर रहा है, और इसीलिए ये सवालिया चिन्ह खड़ा कर रहा है कि क्या सचिन भैया ने जो वीडियो में कहा था कि हाँ बहन है, क्या सच में है? ये बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करता है दोस्तों। मैं एक पुख्ता तौर पर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ें जो है ना उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। खैर जो भी हो, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और सचिन भैया को क्या करना चाहिए? क्योंकि नेहा दी तो अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रही है, चाहे बहन के तौर पर या दोस्त के तौर पर, अब उनका अलग हिसाब है, उनके उनके लाइफ में जितना कम इंटरफेयर किया जाए उतना बेहतर है। और मनीषा दीदी बहुत जगह चुप है, कहीं ना कहीं मनीषा दीदी को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है इनडायरेक्टली, हो सकता है क्योंकि उनका चेहरा देख करके, उनके शरीर देख करके, उनका कमजोरी देख करके ऐसा फील होता है। आपको क्या लगता है? आप अपना विचार प्रत्येक आदमी के लिए प्रत्येक अलग अलग तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, ये क्या हो रहा है, किसकी हरकतें कैसी लगती है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों रिश्तों की रॉकस्टार के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय सियाराम।